brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. बख्शीश समझते हो ना बाबू, ऐसा कुछ कहा उन पथराई मायूस आंखों ने मेरी तरफ उम्मीद का दामन देखते हुए। मैं तो इस जल्दी में था कि न्यू ईयर की शाम बड़ी मजेदार गुजरे और मैं अपने गमों का बोझ उड़ेल कर रोज वाली शरबत की सीसी में डाल सकूं। मुझे पता था कि वो सिक्योरिटी गार्ड मुझसे पैसे ऐंठेगा और जो मैं देना नहीं चाहता था, इसलिए नहीं कि मेरे पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए भी नहीं कि वो मुझे कुछ देर हो रही थी, बल्कि इसलिए कि वो 5-star होटल की तरह हाउ मे आई हेल्प यू सर नहीं बोलता, चमकदार कपड़े नहीं पहनता और हम दिखावे की चरम सीमा पे पहुंचने के लिए कीप द चेंज नहीं बोलते। हम ऐसे समय पे आ गए कि हम दिखावे की चरम सीमा पे पहुंच गए हैं, बल्कि वो 2 घंटे से ज्यादा मेरा इंतजार कर रहा था ताकि मैं उसे बख्शीश दे पाऊं और ये बख्शीश उसे बख्श देने की नहीं है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। तो उसने कहा कि मैं अपने पोते के लिए साइकिल लेना चाहता हूं। उस साइकिल, वो उसका पोता जो अभी कदम दर कदम चलने लगा था, साइकिल मांग रहा था। तो उसने बताया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो उसका विवरण कुछ इस प्रकार था कि मेरा पोता अभी चलने लगा, अभी कुछ दिनों पहले तक वो घुटनों के बल चलता था और अभी उसने बोला बाबा मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे साइकिल चाहिए। हालांकि पोता पहली बार कुछ मांग रहा था तो मैं अपनी जुबा से उसे मना भी नहीं कर सकता था। मैंने सोचा चलो क्यों ना कुछ उसे दिया ही जाए। हालांकि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि घर की गृहस्थी समेटने के बाद उसे कुछ दे पाता, मेरी इतनी पगार भी नहीं थी। तो सोचा क्यों ना इन बूढ़ी हड्डियों को तपाकर 2 घंटे कुछ एक्स्ट्रा कमा लूं, शायद उसके चेहरे पे कुछ खिलखिलाहट नजर आएगी। फिर भला किसे अच्छा लगता है ये रोज की खिटखिट, ये जिल्लत, ये उम्मीद नाउम्मीदी। और ओ साहब जरा सुनो, ऐसा कहना किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपको अगर मेरे काम से खुश होके कुछ समझ में आए तो आप मेहनताना दीजिएगा, उसे बख्शीश मत कर समझिएगा, मेहनताना समझिएगा। मेहनताना शब्द बोलते ही उसकी आंखों में मानो सैलाब का अंबार सा उमड़ पड़ा था और उसके आंसू बिना इजाजत के टप 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 गिरने लगे थे। और उसकी आंखों में मैं घुप निराशा देख रहा था। निराशा इस बात की थी कि आजकल के लोग सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। आज हम ऐसे दौर में हैं कि जिसे पैसे की जरूरत नहीं होती हम उसे ही पैसा देते हैं और जिसे जरूरत होती है उसके तरफ मुड़के भी नहीं देखते। तो उसने बताया, मैं इतने बख्शीश की इस समझ को इतना समझ नहीं पाया था। तो उसने बताया कि बख्शीश वो चीज है जो पहले राजा महाराजा अपने नौकरों को दिया करते थे उनकी काम से खुश होके। हालांकि ना ही मैं राजा महाराजा हूं और ना ही वो मेरा नौकर, वो तो एक सिक्योरिटी गार्ड है जो बाशिद्दत सिक्योरिटी करता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और उसके लिए अगर वो मेहनताना मांग भी रहा है तो उसने कौन सा जुर्म कर दिया, ऐसी क्या खता कर दी उसने। फिर मुझे लगा कि आखिर ये सही है क्या, ये बख्शीश मांगना क्या गलत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाना या गिड़गिड़ाना, ये सब सवाल कौन ही रहे थे कि उसने अपने पर्स से अपने पोते का चेहरा दिखाया। और तब मैं समझ गया कि उन मासूम सी नीली आंखों में कोई कैसे ना पड़ जाए और विवश हो जाए कि हाँ उसके लिए कुछ भी कर सके। तो भला ये 2 घंटे उसके लिए क्या थे, कुछ भी नहीं। तो उसकी जो ये जिल्लत थी, उसकी जो शिद्दत थी, वो 2 घंटे के सामने कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद मेरे जेब में 100-100 के 10-12 नोट रहे होंगे, मैंने निकाला और बिना गिने उसे देने चला। लेकिन 10 और 12 नोट उसकी उसे जरूरत नहीं थी, उसने सिर्फ 2 नोट निकाले और बोले साहब मेरी मेहनताना सिर्फ 2 नोटों की है, मेरी बख्शीश इतनी भी नहीं कि मैं आपका सारा उम्र कर्जदार हो जाऊं, ये 10-12 नोट मेरी पूरी जिंदगी के खुददारी पर भारी पड़े। वो 2 नोट लेकर मुझे अलविदा कह दिया। मेरी सारी न्यू ईयर की रात ऐसी गुजर रही थी कि भला ये 200 रुपए में उसकी साइकिल आ पाएगी क्या, उसका
पोता खुश हो पाएगा क्या? लेकिन उसने एक चीज मुझे जरूर बताई कि उसने बख्शीश जरूर मांगी है, भीख नहीं। और जिस काम का मेहनताना उसने 2 घंटे रहकर ठंडियों में अपनी हड्डी गलाकर किया है, उसके लिए ये कुछ भी नहीं। तो अगले बार अगर आपसे कोई बख्शीश मांगे तो ये मत समझिएगा आप उसको भीख दे रहे हैं, ये मत समझिएगा कि आप उसको भीख दे रहे हैं, ये उसका मेहनताना है जिसके लिए उसने बाशिद्दत बख्शीश ली थी। और क्योंकि बख्शीश देने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है जनाब, बख्शीश देने के लिए, हाँ आप लोगों ने सही समझा, बख्शीश देने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए दिल चाहिए होता है। तो अगले बार मिले तो आप दिल से बख्शीश दें। शुक्रिया।